ये 1987 लगाकर 2019 तक पूरे वर्ल्ड में जो काम किया उस काम का वहाँ पर नाम दर्ज हो रहा है कि इसने, मैंने 1988 से लगाकर 2019 तक पूरे वर्ल्ड में 1000 से ज़्यादा शो किए और पूरे भारत में 10,000 से ज़्यादा शो किए। पहले हिमेश रावण जी को दिया गया, उसने 10,000 भजन गाए थे, तो मैंने 10,000 शो इंडिया में किए और 1,000 से ज़्यादा शो फॉरेन में किए। वैसे 93 से 95 तक मैंने जिंगारो थिएटर में 500 में 3 साल मारा, 590 कार्यक्रम मेरे वो हुए थे। उसके बाद में 100 कार्यक्रम मेरे वहाँ अमरीका में शिकागो में ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की तरफ से भी 700 प्रोग्राम। उसके बाद में 2007 से 2015 तक मैं कनाडा और अमरीका के पूरा ही पूरे बड़े शहरों करीब 200 शहरों में करीब 400 प्रोग्राम किए, तो मेरे करीबन 1,000 से 1,100 प्रोग्राम हो गए। इसीलिए अभी मुझे वो सम्मान पत्र देने के लिए यहाँ आए, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड वाले दो आदमी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ 25 तारीख को यहाँ बाड़मेर में एक सम्मान समारोह रखा गया है। तो बाड़मेर के गणमान्य लोग, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और भी उनको बुलाया है, वो भी आएंगे, दूसरे लोग भी आएंगे। आपने इंडियन आइडल में भाग लिया, उसमें आपने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके वो आप विनर नहीं बन पाए, कितना दुख हुआ था? और बहुत बहुत बड़ा दुख रहा, दुख ये हुआ कि अब पूरे वर्ल्ड में हमने इतना बड़ा काम किया, अभी तक हमारा कोई पाठ्यक्रम नहीं लोक संगीत का। अब हम कहीं जाते हैं, आप कलाकार हो, क्लासिकल बजाते हैं, उनके पास पाठ्यक्रम, वो कहता है हमने एमए की, ये बी की है, ये क्लासिकल में, लोक संगीत में भी कितना भी कलाकार हो उसका कुछ नहीं है। लेकिन प्रूफ हमने ये किया, हमने जहाँ गए वहाँ प्रणाम पत्र लिखाया कि इन्होंने ये शो किया, जहाँ गए उसकी वीज़ा लगी, जहाँ गए वहाँ बुक सपी, वो बुक हमने किट की, अकार भी कटिंग मैंने इकट्ठी की, तो उससे बार वो हमारा एक जो था, तो उससे बायोडाटा के हिसाब से हमारे को ये कलाकार हैं। उसके बाद हम जब गए दिल्ली इंडस्ट्री स्टाइल पर शो चल रहा था, पहले हम सोनी पे भी गए थे एक्सट्रैक्ट और इंडिया में, तो नए बच्चों नए देखा, हमने इतना घुमा है लेकिन इतना हमारा नाम नहीं हुआ, कहते थे कलाकार है। लेकिन जब हम स्टार प्लस पे जाने के, अब हमारे को पैसा लगेगी, फकीरा कहता है ग्रुप है और वहाँ पर हमारे को सेल्फी भी लेते हैं, हमारे पास सिग्नेचर भी लेते हैं, ऑटोग्राफ कराते हैं, तो अब बड़ा नाम हो गया उनकी, वो पूरे वर्ल्ड में हम टॉप 6 आए, टॉप 5 में हमारी वोटिंग हुई, वोटिंग में हम पीछे रह गए, लेकिन हम पूरे वर्ल्ड में टॉप 6 फाइनलिस्ट हैं। एक तरफ देखा जाए तो यहाँ जो आपकी कला है वो यहाँ बाढ़ में जैसलमेर सीमावर्ती इलाके में लुप्त होती जा रही है, आपके पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं है, ऐसे में सरकार कुछ प्रयास नहीं कर रही है? बिल्कुल साहब सही बात है, हम यही चाहते हैं कि हमारी पारंपरिक लोक गायकी है, जो पुरानी विरासत है राजा महाराजा की गायकी है, जो जंग में लड़के गए, जिन्होंने राज किया है, तो उनकी जो विरासत है उनको हम अभी बिगा रहे हैं। हमारे कंठस्थ हमारे जो बुजुर्ग हमारे दादाजी थे उनको 1,000 लोक गीत याद थे, मेरे पिताजी को 500 थे और मुझे 100 गीत याद है और मेरे बच्चों को 5 गीत याद नहीं है, क्योंकि ये पुरानी कला जा रही है। इसके लिए या तो सरकार ध्यान दे रही है, नहीं बड़ी कंपनी ध्यान दे रही है, लेकिन ये गुरु शिष्य परंपरा चलाई जाए, हर गांव में कलाकार भवन है, बुजुर्ग कलाकार है, बुजुर्ग कलाकारों को नए जो युवा बाल जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करें और पास में शिक्षा लेने के बाद में लोक संगीत भी सीखें, तो हमारी ये कला जीवित रह सकती है, नहीं तो ये नहीं रहेगी। आप क्या चाहते हैं, जैसे सरकारी कोई इंस्टीट्यूट लगाए कला के लिए? बिल्कुल, हम ये चाहते हैं कि हमारे उसके लिए बड़ी स्कूल खोली जाए, जहाँ पर इसका पाठ्यक्रम हो, बच्चे को सिखाया जाए, जो 12वीं पढ़ता पढ़ रहा है और उसके बाद में जो संगीत में एमए या बीए कर ली तो उसको नौकरी लग जाती है, कुछ लगा, लेकिन वो भी नहीं है। बच्चे चाहते हैं कि हम बॉलीवुड में जाए, कोई चाहते हैं हम लोग कलाकार बने, कोई कहते हैं ये काम छोड़े हम दूसरी कुछ कोई काम दूसरा धंधा करें, ये कर रहे हैं, लेकिन ये कला बिल्कुल जा रही है, इस कला पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कोमल कोठारी थे जो पुराने लोकगीतों की वहाँ क्लासेस चलती थी, रूपायण संस्था बोरुंदा में विजयदान जी देखा, कोमल कोठारी उन्होंने किया, पवार साहब जब थे तो उन्होंने भी प्रमोट किया हमारे को, बुजुर्ग मगराजी जैन थे तो वो भी करते थे, वो बुजुर्ग चले गए हैं। अब नई जनरेशन हम ये चाहते हैं कि वो हमारी पुरानी पारंपरिक गायकी को कायम रखें, उसको जीवित रखें, वो एक क्लासिकल का सामना कर सकती है। दूसरी गायकी ये तो वो सिर्फ बॉलीवुड की 2-3-4 दिन चलेगी, लेकिन ये पुरानी गायकी हमारी है, वो जो विरासत है वो बिल्कुल, अब हम गाएंगे वो क्लासिकल देखेंगे भी ये क्लासिकल गा रहे, लेकिन हम गा रहे लोक संगीत में, वो इतनी ट्रेडिशनल है, उतनी टफ है, उस कला को जीवित रखने के लिए हम ये चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ इंस्टीट्यूट बनाए, जो जहाँ पर संगीत भवन बने हुए गाँवों में उन पर गुरु जो बुजुर्ग कलाकार उनको गुरु बनाए और बच्चों को सिखाने के लिए एक सुचारू रूप से प्रशिक्षण दिलाए। ऐसा कला तो यही है कि हम पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन हम यहाँ रहते हैं, हमारे को यहीं वापिस आते जब भी हमारा सुकून मिलता है, आराम तो वहाँ ज़्यादा है, इज्जत वहाँ ज़्यादा है, रहना कहना, लेकिन जो वो काड़ का आग का कीड़ा आग में रिंझता है, तो हम ये है कि हम यहाँ पर वापिस जब घर आते
और अपने जो जज्मान हैं, जो राजपूत हैं, बनिया है और दूसरे भी कौम के, 37 कौम के, जब हम उनके जज्मान हम मानते हैं, उनके घर में गाना बजाना करते हैं, वहाँ पर हमारे को सुकून मिलता है।